अस्सलाम वालेकुम, बॉडी बिल्डिंग सीधी बात ते बिलाल फिटर। बिलाल भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें दोबारा फिर टाइम दिया। बड़ा बेसब्री से सबको इंतजार था आपकी वीडियो का। आज का हमारा जो टॉपिक है कि क्या बॉडी बिल्डिंग एक हेल्दी स्पोर्ट है। जी वालेकुम अस्सलाम। या सब की हाल है? ठीक ठाक वो तबीयत ठीक है? और जो इर्द गिर्द बैठे ने उन्होंने की हाल है? जी बिलाल भाई, और आज का साडा टॉपिक है गया कि बॉडी बिल्डिंग एक हेल्दी स्पोर्ट है कि नहीं। इस तो अलावा रिसेंटली बहुत ज्यादा मौतें हो रही ने, मरना के सामने है भी एक दिन। टारगेट होता है ना, एक बॉडी बिल्डिंग नू टारगेट किया जा रहा है, लोकी जानबूझ के इतना कर रहे ने या जानबूझ के मजा लेना से बॉडी बिल्डर स्टीरॉयड लेंदे ने, टैकलिंग करते ने या गेयर्स वगैरह यूज करते ने। देखो, सब तो पहले तो मेरी गुजारिश है ये, शॉन ड्रेडन मिस्टर ओलंपिया, बड़ा खूबसूरत, मेरा बड़ा फेवरेट थी, आइडियल ओलंपिया थी, जो वो 46 भी आई थिंक उम्र के बीच फोत हो गया। मैनू फिलहाल से नहीं पता, ना मैं आर्टिकल वगैरह पढ़े ने, ना मैं देखे है कि की होया उहदे नाल ते की नहीं होया। ठीक है, बाकी जड़ा दुनिया से आया उन्हें जाना है, और जड़ा भी है पूरी बॉडी बिल्डिंग नू, दुनिया की जी बॉडी बिल्डर ने बॉडी बिल्डिंग सब नू मेरे वालों इजारे कर दी है तो बहुत बहुत। तो दूसरा ता क्वेश्चन है कि जी बॉडी बिल्डिंग हेल्दी स्पोर्ट, फाइन हेल्दी स्पोर्ट ही है, इनू अनहेल्दी बनाता गया, इनू अनहेल्दी जरा ना बनाता गया, एवं जिस चीज की जरूरत भी नहीं गई उस चीज पुटअप करता गया बॉडी बिल्डिंग के विच। इस तो बगैर हूँ जो चीजा पुटअप करती गई ने, उस तो बगैर हूँ बॉडी बिल्डिंग की स्टेज या बॉडी बिल्डिंग या इवेंट चंगे भी नहीं लगने। ठीक है ना, जी चीज तुम एक बार इंट्रोड्यूस कर दो, मिर्च मसाला ला के किसी भी चीज के, फिल्म है, वो बॉडी बिल्डिंग है, वो कुछ भी है, वो जो उस खूबसूरती या उस चीज जी जिदे नाल प्रमोट हो रही है या बहुत ज्यादा वह रिजल्ट नजर आ रहा है, वो अगर तुम कट दोगे तो जरा मामला कुछ भी नहीं नजर आएगा तुम। ठीक है, तो जिम जिम्स जाना, उत्थे जाके पसीना कढ़ना, अपना ट्रेनिंग करनी जाके, कार्डियो करनी जाके, एक्सरसाइज वेट ट्रेनिंग करनी जाके, मैं दसो कि समझदार आदमी है जो बैठ के कहेगा कि बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस है जी अनहेल्दी फील्ड है? कौन कहेगा? क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है ये कि किस तरह अनहेल्दी हुई है। मेरी गल समझ आ रही है? जी जी, किस तरह अनहेल्दी हुई है? सीधी हूं मैं जी ओपन नंगी गल करा, इनू स्टीरॉइड भी लैंदा, मेडिसिन लैन दी है, अननोन लोग आ गए ने, अनप्रोफेशनल लोग आ गए ने। ईवन के तुसी ए ना समझो कि एशिया रीजन दे इच हैगे ने लोग, साउथ एशिया रीजन दे इच हैगे ने, ठीक है, यूरोप च हैगे ने, अमेरिका च हैगे ने, मतलब कि जिन्हें भी बड़े आजम ने दुनिया के सारे जिथे जिथे भी बॉडी बिल्डिंग होंगी पी है, हर जगह के जड़े ना नॉन प्रोफेसनल लोग ने जिन्होंने पैसे मुहब्बत है, जिन्होंने पैसे प्यार है, ठीक है, जिहड़ा रिजल्ट जल्दी लेना चाहते हैं, किसी की जान, किसी का माल, किसी का फैमिली, किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं करो, बस है कि पटोला चंगा बन के जावे, पटोला जीते या मैं जीता, बस मेरी मैं होवे ओदे लई भावें तुसी जान ते खेड़। अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी गल? जी जी बिल्कुल, कुछ समझ आ रही मेरी गल दी? जी जी, हुण अग जिस तरह क्रिकेट की रिवाइवलरी हुई है पाकिस्तान दे विच, ठीक है, हुण दुनिया तुहाडे दरवाजे दे उत्ते हैगी है कि हुण पाकिस्तान का स्टाइल जिहड़ा क्रिकेट दा ना वो अपनाना है, क्या क्लासिकल शॉटा ने बाबर आजम का कवर ड्राइव, बाबर आजम दॉटा, शहनशाह फरीदी की जी डिलीवरी है, ये बॉल ऑफ द ईयर हो गई, आईसीसी ने उन्होंने वेचता है, ठीक है, क्या रिजवान रिजवान का कैलेंडर ईयर च सब तो ज्यादा स्कोर करना, क्या उदी, क्या उदा मोटो, क्या उदा ऑब्जेक्ट, कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं होता, क्या बात। ठीक, इस टॉपिक के उत्ते सॉरी अगर इस टॉपिक के उत्ते किसी ने चीज देखनी तो मेरे बिलाल फिटनेस चैनल पर जाके देख लिया, होप के उमर ने भी वो अपलोड करती है वो वाली वीडियो अपने चैनल के उत्ते भी, उत्ते भी देख सकते जाके। तो कहना मतलब है कि बीइंग अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जो भी कुछ दिता है मैंने अल्लाह ने, जिस जो भी अज मैं जिस भी मुकाम से खड़ा हुआ इस बॉडी बिल्डिंग की वजह से है, बाहर आने जाने हैं जिसे करोने उठने बैठने हैं, लोग तुम पसंद करते हैं, ख्वाहिश करते हैं तेरे जैसा बनना, अल्लाह की कसम लोग ख्वाहिश करते हैं, थोड़े मार्केटा च मॉलों च जिसे मर्जी चले जाओ तो आके कहते हैं सर माशाल्लाह यू हैव अ वेरी गुड बॉडी, यू हैव अ वेरी गुड फिजिक। तो कहने का मतलब है कि
की वजह तो इस गेम की वजह तो ना अल्लाह तो अल्लाह ताला की रहमत तो बाद इस गेम की वजह से हूँ इस गेम में अनहेल्दी बनाता गया इन्होंने चीज़ों की वजह तो रिवाइवल ही ऐसी इस वजह इस तरह आएगी कि तुम ये 100% इस स्टीराइड को बैन कर दो सप्लीमेंट इज ओके सप्लीमेंट बुरी चीज़ नहीं है और रिकवरी रिकवरी आ जाती की कहें फिर प्रोटीन की जी सारी दिहाड़ी अभी मील नहीं खा सकते हो प्रोटीन लैके अपना मील पूरा कर सकते ठीक है और अमाइनोज आ जाते हैं ठीक है प्रोटीन ब्लॉक्स ने उस तो बाद की कहें पोस्ट वर्कआउट प्री वर्कआउट चीज़ा ने जगह ठीक है मतलब एनर्जी है कुछ एंड्योरेंस कुछ स्ट्रेंथ चीज़ा ने कुछ मल्टीवाइटामिन्स ने अकॉर्डिंग टू दी एज जी है ना उस तरीके लै सकते हो बड़ी बेहतरीन है जितों तक स्टीराइड की गल आ गई ना 110% इन्हें जी चीज़ साढ़े अंदर जाएगी वो एट दी एंड एक वक्त आएगा थानू जरा ना जरूर जरा आउटपुट बहर आएगा मेरी गल समझ आई कि आउटपुट जरूर बहर आएगा और अनहेल्दी हो अनहेल्दी हो जाओगे बीमार हो जाओगे कोई ना कोई इंपैक्ट थोड़ा बहुत जरूर आएगा ठीक है तो कहने ज्यादा जड़िया अजकल लोगों जो है ना जो लोग कुछ स्टीराइड ऐसी है जैसे T3, T4, TSH फंक्शनल हारमोन ने ठीक है वो थायरॉयड की जी डिजीज वास्ते चीज़ा होंगे ने वो कटिंग वास्ते ये यूज हो रही है दसो तुम T3, T4 खाओगे ठीक है तो तुम थायरॉयड के मरीज नहीं बनोगे बाद चो तो उस तो बाद एक बार थायरॉयड की बीमारी ऐसी है लग गई हार्ट तो भी ज्यादा गंदी बीमारी समझ आई कि नहीं हार्ट की डिजीज तो भी ज्यादा गंदी बीमारी तो वो किसी वजह तो लगनी है ऐसी वजह तो लगनी है तुम स्टफ का जरा ना दुरानिया वा दौ ठीक है स्टीराइड का दुरानिया वा दौ तो यह लाजम तुम कोई ना कोई चीज़ लगेगी हूँ जो अं स्टीराइड वगैरह यूज करने हार्ट बीट तेज हो जाती खा हंगर बढ़ जाता फिजिकली ग्रोथ नज़र आ रही होंगी है बस क्या बात है वो स्ट्रेंथ जो पावर जी है ना की कहें कह सकते हैं बस उस वक्त तो आदमी तौर पर तो आ जाती है जो मुकाबला शुकाबला हर चीज सारा खेल खुलिया नॉर्मल लाइफ चाहते तो फिर बंदा ठूस हो जाए ऐसी चीज एकदा नुकसान आने ही आने ठीक है मैं मैनू लोग बुरा भी कहेंगे मेरे लोग चंगा भी कहेंगे शायद यह चीज़ देख के कि आप भी करता रहे हूँ आप गल करता रहे तो मैं रब की कसम करके कहना वो मेरे 8 टूर ने सारे नैचुरल ने मेरी बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन को पुछ लो मेरे भरा इमरान को पुछ लो हालत भाई को पुछ लो जिन्हें भी मेरे वे जिन्होंने नाल मैं जाता रहा मुकाबला खेलना उन्होंने को पुछ लो हाँ लोकल मुकाबलों के भी मेरे मेरा भाई इमरान इस चीज़ का गुआ है कि वो को पुछ लो जाके तो मैं करता मखतू साहब साढ़े टीचर सन चौक साहब साढ़े टीचर सन तो उन्होंने को पुछ लो जाके चौक साहब कहते हैं देखो एक दफा एक लाहौर का मुकाबला खेलिया मैं क्लास भी जीत गया डिवीजन की भी पंजाब की भी पाकिस्तान की भी तो मेरिया मिसाल देंगे सर देखो बिलाल ने कुछ भी नहीं किया नैचुरली तैयारी कर दिया तुम भी कर सकते हो यह मिसाल देंगे होंगे सर शोक साहब ने एक दफा मिसाल दी थी मेरे लिए यह नहीं गल कि मैं अपने मुँह मियाँ मिठू भरना पाया मैं कुछ नहीं किया मैं बड़ा ही नॉर्मली टच देखो मेरी छोटी जी हाइट है मैं अच्छी डाइट अच्छी खुराक अच्छा खाना अच्छा सप्लीमेंट कर लाँगा ना तो मैं इन चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे जैसी फजीक में 5'1" मेरी हाइट है मुजफ्फर भाई की भी खालिद भाई की भी अजहर साहब की भी मतलब के हल भाई की भी कोई एड्डी उच्ची हाइट नहीं है यह जो पाकिस्तान के जो बड़े वन ऑफ द बेस्ट बॉडी बिल्डर है ना इन्होंने यही किया ज्यादा स्टील हाइट वाले पास नहीं गए ये ज्यादा वो ठोके टकाई वाले पास नहीं गए इन्होंने किले अपने आप साधी देखो खालिद भाई अजहर साहब न मुजफ्फर भाई खालक न मतलब कि मैं जी मेरी हाइट के लोग ने उन्होंने गल कर अज भी उंजी खलोते लगते हैं समझ आई कि अज भी उंजी खलोते लगते हैं और शबीर साहब ने शबीर भाई ने उन्होंने देख लो अज भी उस तरह लग कहने का मकसद ही है कि डिपेंड करता है तुम अपने आप में करना की चाहते हो आया तो करना भी चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो तो को होएगा भी कि नहीं होएगा तो फिर तुम जे एनू अनहेल्दी फील्ड बनाता गया तो जरूर फिर इस फील्ड के आना अपनी फिटनेस रखो अपने आप को फिट रखो अपनी सेहत का ख्याल रखो ठीक है और बस वो तुम्हारी जान वास्ते फैमिली वास्ते खुद वास्ते हूँ अनहेल्दी वाले कौन समझाएगा जिन्हों का कारोबार बन गया एशियन फेडरेशन वाले कौन समझाएगा सारे दुनिया के वे वे जो ब्रांड ने बॉडी बिल्डिंग उन्होंने कौन समझाएगा यह मैं दसो कि यार स्टीराइड नहीं होना चाहिए बैन होना चाहिए
ठीक है, अगर जरा लैके आए ओदा एहतसाब होना चाहिए, ओनू जेल होनी चाहिए, ओनू सख्त सजावं होनी चाहिए, बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिए चो। तो कहेंगे जी फायदा की फिर बॉडी बिल्डिंग का, ये मजे ला। वो यार एक बार नैचुरल चीजा शुरू करके तो देखो, ईवन के भलवानी च भी स्टीराइड आ गए, ईवन के फास्ट बॉलर क्रिकेट के भी नैंडा लोन लेंदे रहे सारे, हूं कि केड़े लेंदे रहे ने छे, जो अजकल बड़े यूट्यूब चैनल बना के बैठे हुए हैं ना, बड़े बड़े वे वे बॉलर बने हैं सारे, भलवानी हर चीज एनी सब दुनिया रोकना ही कोई नहीं, फुटबॉलर भी लेंगे अपनी पावर इनहांस करने। गल समझ आ रही हूँ, मिल गया तुम जवाब। ये जड़ियाँ पिछले पिछले साल के तीन मौत हुई ने, उस तो बाद उस तो पिछले साल भी चार, यानी कि वह लोग मरे ने जेडे ओलंपिया के स्टेज न खेलते सन, असि उन्होंने ओलंपिया के स्टेज पर वेखे है। छुपाने हर बंदा कहना जी बॉडी बिल्डर ही पिछले पै जाते, बॉडी बिल्डर ही इंज करते हैं, मरते हैं, तो कोई स्पोर्ट्समैन नजर नहीं आता किसी भी स्पोर्ट्स के कि वो स्टीराइड तो मरिया हो। बॉडी बिल्डिंग ही होना है, फिर शॉन ड्राइडन का भी सिलसिला ठीक है, फिर उस हरियाण का बड़ा मेरा फेवरेट बॉडी बिल्डर थी बैतुल अब्बास पोर्स ठीक है, ओदा जिगर ही सुकड़ गया सी, ओदा जिगर ही सुकड़ गया सी, ओ किहदे नाल सुकड़े, लंग जो सारे सुकड़ गए, किहदी वजह साडे मुल्क की इंडिया की पाकिस्तान की एशिया की जिंदी तो छोड़ो ना तुसीं जी, तो असीं ओह मन लिया कि सानू पता ही नहीं है की करना की नहीं करना, तो वाकई नहीं पता है कि स्टीराइड में किसा। तुसी अगर देखा जाए अरब रीजन च देखा जाए कि ऐसे भी इंज लेंदे ने जिवें की कहंदे ने पानी दे नाल की कहंदे ने फक्की मारी दी जिवें पानी पी लीदा, की कहंदे ने वड्डे वड्डे जिहड़े आईएसबीबी दे करता दस्ता ने जिहड़े बॉडी बिल्डिंग दे जिहड़े देवता ने मालक ने इवेंट्स दे सारे जिहड़े करांदे ने जिहड़े चीफ हैगे ने उन्होंने सोचना चाहिए, गवर्नमेंटा नूं सोचना चाहिए, गवर्नमेंट नूं भी कुदना चाहिए, सारिया गवर्नमेंटा नूं भी कुदना चाहिए कि भी ऐ नहीं जी होण देना, उन्हें बॉडी बिल्डिंग होगी तो नैचुरल होगी नहीं तो नहीं होगी, नहीं तो अपने जिम तक अपने आप में फिटनेस तक रखो ईवन वो खिलाफ लोग मरना तो बच जाएंगे ना, वेखे वेखिया तो देख के जी सारी स्पोर्ट्सा भी स्टीट जा रही है, और जो एक फिर इन्होंने लै भी बड़ी ज्यादा होंगी जो डिजर्विंग लोग होंगे ने अफोर्ड नहीं कर सकते चीज़ा, तो नॉन डिजर्विंग लोग जोड़े ने यूज करते हैं उन्होंने अफोर्ड कर लें भाजी दूसरे की वाट लग जाती है, कभी भी उत्ते नहीं जा सकते या कभी भी अचीवमेंट वाले पास या कभी भी उस पास आ ही नहीं सकते, क्यों उन्होंने को बजट नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, बैक नहीं है, ठीक हो गए ना अफल साहब जी, एक आएगा इस बॉडी बिल्डिंग 100% स्टीराइड खत्म हो जाए, जिस तरह अर्ब रीजन ची रहने कुत्ते की तरह सारा कुछ इतने होंगे, लेकिन नाम लेना है बंदे का अंदरों खून जरा ना एक हार्ट बीट तेज हो जाती, कोई कहना स्टीराइड पड़िया गया कोई साफ साफ हो गया लग जाएगी, ठीक है इस तरह जरा ना बैन ही होना चाहिए, कोई भी ना खरीद सके फार्मेसिया तो जाके किसी भी अनलीगल तरीके जाके मार्केट के स्पोर्ट्समैन मिलनिया ही नहीं चाहिए, जरा लैन ली जाए उन्होंने थाने पुलिस के हवाले करो उसे अरेस्ट करा दो, हम साड़ी इस वीडियो की वजह तो ही है जी, मैं हूँ वीडियो बना रहा जो मेरे को मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लै रहा लोगों ने बड़ी बड़ी गल करेंगे तो मैं कोई भार नहीं है किसी आई डोंट केयर, तुम मेरा ओपीनियन लिया मैं तुम दस और मेरे लाइक का हुक्म।